हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन सरोजर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसे सीक्रेट लॉक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका पासवर्ड दोस्तों अगर आप किसी के सामने भी अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करते हैं ना, वो आपका पासवर्ड देख भी लेता है तो भी आपके फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों मान लीजिए आप किसी को ऐसे दिखा के भी उसके सामने अपने फ़ोन का कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, को जो आपने पासवर्ड डाला उसने देख भी लिया तो भी आपके फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से आप आपका फोन अनलॉक कर सकते हो। किसी को पता हो या फिर आपके फैमिली मेंबर या आपके दोस्त किसी को भी आपका पासवर्ड पता होगा ना, तो भी वो आपके फोन में यूज नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो है ना कमाल की चीज। तो अगर आप भी जानना चाहते हो ये कैसे पॉसिबल है, पासवर्ड पता है फिर भी दूसरा बंदा ओपन नहीं कर सकता, सिर्फ आप ओपन कर सकते हो, तो अगर आप जानना चाहते हो ये ट्रिक, तो यार इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और पूरा एंड तक देखो वीडियो को। तो चलिए फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको अल्ट्रा लॉक नेम का यह एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। यह एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे एक पिन सेट करना होगा। यहां पे आप जैसा कि देख सकते हैं कोई भी पिन आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट कर दीजिए, फिर एक बार आप जो है कंफर्म कर लीजिए ये पिन को, उसके बाद यस कर दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको एक परमिशन देनी है, परमिशन दे दो। जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको लॉक करना, तो लॉक करने जाओगे तो ये परमिशन के लिए बोलेगा, तो आपको परमिशन अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपको परमिशन देनी है, यहाँ पे आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको बैक चले जाना है अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं हम वापस से एप्लीकेशन में आ चुके हैं। अब हम यहाँ से जो है लॉक कर सकते हैं, लेकिन लॉक करने से पहले आपको एक ट्रिक बताना है। वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाइए, यहाँ पे जो तीन डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके आपको आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है लॉक टाइप, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एकदम नीचे आने, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैटरी एंड मिनट, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ ऑप्शन नीचे से यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर दीजिए, जैसे कि मैंने क्रोम को लॉक कर दिया है। उसके बाद एकाध दो और एप्लीकेशन ले लेते हैं, लाइक फेसबुक एंड फ्लिपकार्ट। ऐसे ही मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब आइए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट को लॉक किया है, कहाँ गया मेरा फ्लिपकार्ट, तो ये रहा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसको लॉक किया है। अब इसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है पासवर्ड ये मांगेगा, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। अब भाई यहाँ पे मेरा पासवर्ड क्या है, मैंने तो कोई पिन सेट नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे 1 2 3 4 ये पासवर्ड है जो कि मैंने डाला था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये पासवर्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने डाला लेकिन खुला नहीं खुला। अब मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बताना हूँ, यहाँ पे आपका पासवर्ड क्या है आपके सामने है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। बताऊँ क्या है? आपके बैटरी का परसेंटेज 51 डाल दो। उसके बाद यहाँ पे कितने मिनट हो रहे हैं, 6:08 ना, यानी कि 08, तो आपको यहाँ पे 08। अब भाई आपका फ्लिपकार्ट ऑन हो गया, देखा आपने क्या जादू हुआ। जहाँ दोस्तों सही सुना आपने, आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी परसेंटेज है और यहाँ पे जो टाइमिंग का मिनट है वो आपका पासवर्ड है। हर बार हर मिनट में आपका पासवर्ड चेंज होगा। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी के सामने एक बार एक पिन डाल देते हो, एक मिनट बाद वो आपका फ़ोन लेता है वही पिन डालेगा तो ऑन ही नहीं होगा। वो सोचेगा आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, लेकिन आपने तो कोई पासवर्ड चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया है 9। अब मैं दूसरा कोई एप्लीकेशन जिसको लॉक किया था, लाइक मैंने क्रोम को लॉक किया है, क्रोम ऑन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझसे मांग रहा है पासवर्ड। अब यहाँ पे पासवर्ड मैंने लास्ट टाइम क्या डाला था, 51 और 08 डाला था ना। यहाँ पे आप देख लीजिए डाला, अनलॉक हुआ नहीं हुआ, क्योंकि भाई मिनट चेंज हो चुका है, 09 हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे डालना है 51 उसके बाद 09, तो ये जाके हमारा जो है अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही हर मिनट जैसे ही टाइमिंग चेंज हो जाएगा वैसे ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और जैसे बैटरी परसेंटेज चेंज हो जाएगा वैसे ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जो आपका बैटरी परसेंटेज है, जो मिनट है, वो आपका टाइम हो जाए, मतलब कि पासवर्ड बन जाएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक। दोस्तों अगर आपके वीडियो और ये एप्लीकेशन पसंद आई तो फटाक से यार लाइक मारो और शेयर करो, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितनी कमाल की ट्रिक आपको लगी है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।